कोई भी असाइनमेंट मिलने पर हम उसको पीपीटी फॉर्म में बना तो लेते हैं, अपनी स्लाइड्स बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, पर मेन इशू क्या आ जाता है, अब इसको वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करके किसी के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती वालिया और आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि अपने पावर पॉइंट पीपीटी स्लाइड को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये पीपीटी ओपन करी है, जो मेरी एक मेन स्लाइड है, मैंने बनाई है। राइट ईच मिसिंग नंबर पे एक वर्कशीट बनाई है और इसी पीपीटी को मैं जो है वीडियो में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो ऊपर मैंने सबसे पहले फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया है, आपको एरो में शो हो रहा होगा। फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, उसमें आपने नीचे सेव एंड सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड सेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे से थर्ड नंबर पे क्रिएट अ वीडियो का ऑप्शन शो होगा। क्रिएट अ वीडियो के ऑप्शन पे आपने उसको क्लिक करना है वीडियो बनाने के लिए। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको साइड में एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, उसमें आपको आएगा सेकेंड्स टू स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड पे आप कितने सेकेंड स्पेंड करना चाहते हैं, हर एक स्लाइड को आप कितनी देर दिखाना चाहते हैं, आपने उसको टाइम सेट कर देना है और उसके बाद क्रिएट वीडियो पर आपने क्लिक करना है। टाइम सेट करने के लिए आपको दो आपको ऊपर ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। अगर आपको टाइम कम करना है तो वो भी आप कम कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस वीडियो को कहाँ पर सेव करना है और जिस भी ऑप्शन पर आप जाना चाहते हैं, उस ऑप्शन पर जाके आप सेव करके फाइल नेम डाल के सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो वीडियो है इस तरीके से नीचे प्रोसेसिंग होते हुए शो हो जाएगी, यानी कि आपकी वीडियो जो है बन रही है और धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग बढ़ती रहेगी, आपको इस तरीके से शो हो जाएगी नीचे। और फिर जैसे ही प्रोसेसिंग ख़त्म होगी तो जहाँ भी आपने वीडियो को सेव किया था वहाँ पर जाके आप वीडियो को चेक कर लीजिएगा ओपन करके कि आपकी वीडियो ठीक तरीके से बनी है या फिर नहीं बनी। नहीं नहीं, आप इसको किसी के साथ अभी शेयर नहीं कर सकते। ये जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो बनी है वो बनी है WMV फॉर्म में, यानी कि विंडो मीडिया वीडियो फॉर्म में। और अब हमने इसको कन्वर्ट करना है MP3 या फिर MP4 या फिर YouTube के फॉर्म में या फिर और भी बहुत सारी फॉर्म आप पे आपको शो होंगी, इन सब फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के साथ मैं एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ और उसमें भी आपको मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप WMV फॉर्म को अपने YouTube या फिर MP3 MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं।